हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर डेली एमपीपीएससी एमसीक्यू पार्ट नंबर 15 प्रेजेंटेड बाय मी आदित्य दुबे। इन दिस लेसन वी विल डिस्कस सम ऑफ द इम्पोर्टेंट करंट अफेयर फॉलोड बाय सम स्टैटिक जीके। तो आप सभी लोग जानते हैं कि इस साल 2018 को कर्नाटका इलेक्शन काफी ज्यादा न्यूज में रहा। तो यहाँ पे बताया गया है कि एचडी कुमार स्वामी जी सीएम इलेक्ट हुए हैं कर्नाटका स्टेट के। क्वेश्चन ये आता है कि डेप्यूटी सीएम कौन बने, ओके, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका। तो क्वेश्चन का आंसर ये है ऑप्शन ए, दैट इज जी परमेश्वरन। जी परमेश्वरन टुक ओथ एज द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका। अगर आपसे पूछा जाए कि कर्नाटका के गवर्नर कौन है, तो इसका आंसर होगा मिस्टर वाजुबाई वाला। मिस्टर वाजुबाई वाला ने जी परमेश्वरन को शपथ दिलवाई और साथ ही साथ सीएम ऑफ कर्नाटका जो कि है एच डी कुमार स्वामी, उनको भी शपथ दिलाई। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल 164 में ये बताया गया है कि सीएम शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर एंड अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, हमारे पॉलिटी से डील करता है, ये हमें मालूम होना चाहिए। अब बात करते हैं दूसरे फैक्ट्स की। अब बात की जाएगी तीसरे ऑप्शन की, जो है एच डी देवेगौड़ा। ओके, ये हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे इंडिया के, और इनके बारे में एक खास बात यह है कि ये फाउंडर हैं जनता दल सेक्युलर पार्टी के। जनता दल सेक्युलर पार्टी के फाउंडर कहे जाते हैं मिस्टर एच डी देवगौड़ा। ओके, और इन्होंने पार्टी कब फाउंड की, तो ये भी डेट आप याद रखिएगा, जुलाई 1999 को एच डी देवगौड़ा फाउंडेड जनता दल सेक्युलर। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि किस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली वुमेन सिक्योरिटी डिवीजन क्रिएट किया है। ओके, विच मिनिस्ट्री रिसेंटली क्रिएटेड अ न्यू वुमेन सिक्योरिटी डिवीजन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज होम मिनिस्ट्री। होम मिनिस्ट्री ने रिसेंटली वुमेन सिक्योरिटी डिवीजन बनाया है ताकि जितने भी वुमेन सेफ्टी के इश्यूज हैं उनको एड्रेस किया जा सके। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा वुमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, क्योंकि काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग लगता है शुरुआत में अगर देखा जाए वुमेन सिक्योरिटी को। तो ये जो डिवीजन क्रिएट किया है वो किया है होम मिनिस्ट्री के द्वारा। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे करंट होम मिनिस्टर कौन है। आप जानते होंगे मिस्टर राजनाथ सिंह इज द करंट होम मिनिस्टर ऑफ अवर इंडिया। अगर बात की जाए मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट, तो ये संभालती हैं मिसेस मेनका गांधी। ओके, अगर बात की जाए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, तो आप जानते हैं निर्मला सीतारमन इज द करंट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस 2018 कहाँ पे हुई। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें मालूम होना चाहिए। इसकी जो लोकेशन है वो है ऑप्शन सी, दैट इज लुम्बिनी। लुम्बिनी सिचुएटेड है नेपाल में, ये हमें मालूम होना चाहिए। ओके, यहीं पे बुद्ध जी का जन्म हुआ था। अगर बात की जाए कुशीनगर की, तो कुशीनगर में बुद्ध जी की मृत्यु हुई थी। और अगर आपसे पूछा जाए सारनाथ, तो सारनाथ में मतलब फर्स्ट सर्मन दिया था बुद्ध जी ने। अगर बात की जाए ऑप्शन डी की, बोध गया, तो यहाँ पे इनको बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, या आप कह सकते हैं कि एनलाइटनमेंट इनका हुआ था बुद्ध जी का बोध गया में। तो ये कुछ फैक्ट्स हमें मालूम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फाउंडेशन स्टोन रखा जोजिला टनल का, तो इसकी लेंथ कितनी है। इसकी आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज 14 किलोमीटर। 14 किलोमीटर इज द लेंथ ऑफ दिस टनल। अगर बात की जाए इंडिया के पर्सपेक्टिव में, तो ये इंडिया की लॉन्गेस्ट रोड टनल है। अगर आपसे एशिया के पर्सपेक्टिव में पूछा जाए, तो आप बता सकते हैं कि एशिया की ये लॉन्गेस्ट बाय डायरेक्शनल टनल है। याद रखिएगा बाय डायरेक्शनल टनल है, मतलब दोनों तरफ से इसका रास्ता है। अगला क्वेश्चन है कि डायरेक्ट बस सर्विस जो इंडिया और नेपाल के बीच अभी रिसेंटली शुरू हुई है, तो ये किस दो शहरों को कनेक्ट करती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज जनकपुर एंड अयोध्या। जनकपुर और अयोध्या को कनेक्ट करती है डायरेक्ट बस सर्विस बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, जो कि रिसेंटली इनॉग्रेट की गई। अब मैं आपको एक और फैक्ट बताना चाहूंगा जो इंपॉर्टेंट है। नेपाल के जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका नाम क्या है। उनका नाम है केपी शर्मा ओली। ओके, याद रखिएगा केपी शर्मा ओली इज द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, यदि आपको पता हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, नेपाल के करंट प्रेसिडेंट कौन है। ओके, हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल। तो आई होप आपको इसका आंसर पता हो, और अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। सो ये थे हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए, आई होप यू लाइक इट।
यदि आपको मेरा इनिशिएटिव अच्छा लगता है और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि पहले प्लीज प्लेलिस्ट जरूर ट्राई कीजिएगा। यदि आपको मेरा इनिशिएटिव पसंद आता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। और साथ ही साथ अगर आप फेसबुक में हैं तो फेसबुक में भी कनेक्ट हो सकते हैं। फेसबुक की लिंक है facebook.com/aditya-dubey-mppsc। या अगर आप ट्विटर में हैं तो ट्विटर में भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर की लिंक है twitter.com/cyberaditya। सो आई होप यू आर डूइंग वेल। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। गुड लक। बाय बाय।